तो अभी हम लोग दोस्तों इस स्मृति वन के पास हैं और यहाँ कैसा पंडाल बनाया गया है माँ दुर्गा का, आइए दिखाती हूँ। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ का भीड़ कितना है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ भीड़ है क्योंकि ये जगह ही वैसा है। यहाँ ना अभी ऑर्केस्ट्रा भी हो रहा है और देख सकते हैं बद्रीनाथ स्टाइल में, यहाँ बद्रीनाथ धाम जो है उसके स्टाइल में यहाँ पंडाल को बनाया गया है। और अभी रात के 1:30 बज रहे हैं दोस्तों, हम लोग 1:30 बजे यहाँ अभी लास्ट टाइम यहाँ आए हुए हैं तो 1:30 बजा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। और ये पूरा बद्रीनाथ तो मैं देखी नहीं हूँ पर यहाँ लिखा हुआ है बद्रीनाथ पंडाल बना हुआ है, तो चलिए दिखाती हूँ आप लोग को कैसा बना हुआ है पूरा। अंदर जा कर के देखते हैं कि अंदर माता रानी का मूर्ति कैसा है। अभी ये ऊपर चढ़ रहे हैं सब लोग, पहले ऊपर चढ़ते हैं दोस्तों और फिर देखते हैं ऊपर, इतना ऊपर स्टेज बनाया गया है और ऊपर में क्या है कैसा है। अभी मैं भी अंदर नहीं गई हूँ तो चलिए देखते हैं किस टाइप का माता रानी का मूर्ति रखा गया है। और यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद हम लोग देखे कि ऊपर तो चढ़ गए, उसके बाद ना नीचे फिर जाना है, तो सब लोग जैसे गुफा के अंदर जाते हैं ना नीचे, वैसे ऊपर चढ़ने के बाद नीचे जा रहे हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं सब लोग नीचे जा रहे हैं और अभी माता रानी का मूर्ति हम लोग को नहीं दिख रहे है, तो चलिए धीरे धीरे नीचे चलते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना रात हो गया है और यहाँ तो अभी ऐसा लग रहा है कि दोपहर का समय है क्योंकि लाइटिंग वगैरह भी है और इतना भीड़ भाड़ है। और यहाँ बहुत मतलब बिलासपुर में ना पूरा सभी जगह सभी लोग घूम रहे हैं और पता नहीं रात भर घूमेंगे ऐसा लग रहा है, और रात हुआ ही नहीं है जैसे लग रहा है। तो चलिए हम लोग नीचे आ चुके हैं, अभी माता रानी के मूर्ति के पास आ चुके हैं तो देखते हैं कैसा है। ये देखिए माता रानी का मूर्ति बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुंदर है दोस्तों, जितना कैमरा में सुंदर नहीं आ रहा है उतना सामने से देखने में लग रहा था। और सजावट भी बहुत ही सुंदर है और माता रानी का 3 ठो सिर है इसमें, शायद बद्रीनाथ भगवान का भी ऐसे ही होगा इसलिए माता रानी को भी ऐसे ही बनाया गया है। और ये देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये सब लोग अभी नीचे उतर रहे हैं ऊपर से, वो है अभी यहाँ का भीड़ आप लोग देख सकते हैं। और माता रानी का पास से देखिए उनको 3 उनका सिर है, उनका जो ये बाग है बहुत ही बड़ा है और उनका जो साड़ी का कलर है वो भी बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों। मैं सोची आप लोग को जूम करके दिखा दूँ तो मैं आप लोग को जूम करके दिखा रही हूँ कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा माता रानी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं बाहर, तो बाहर निकलने के लिए नीचे से है ऊपर से आ रहे हैं और नीचे से जा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं इधर से निकलते हैं बाहर। और बाहर में दोस्तों बाहर भी बहुत भीड़ है क्योंकि बाहर में कोई गायक आए हुए हैं, छत्तीसगढ़िया गायक हैं जो बहुत अच्छा गाना वाना गा रहे हैं, सिंगर ही है, तो अभी यहाँ भी भीड़ है। और ये देख सकते हैं लाइटिंग वाइटिंग बहुत है, तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग सुनते हैं जा कर के, है ना। बहुत अच्छा अच्छा गाना गा रहे थे, आमा पान के पतरी वाला गा रहे थे उतना टाइम, और कोरी कोरी नरियर वाला गा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर हम लोग भी सुने, उसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों बगल में रावण भी है क्योंकि कल दशहरा है और सब लोग जय बुला रहे हैं तो झूम झूम के नाच रहे हैं और जय बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ इतना रात हो गया है फिर भी रात नहीं हुआ है जैसे लग रहा था और टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। तो देख सकते हैं दोस्तों कल के लिए रावण बनाया गया है, उसका आँख जल रहा है, लाइट लगा दी है उसके आँख में तो। और इधर बहुत अभी भीड़ है तो चलिए चलते हैं दोस्तों अब बाहर जाने के लिए। और दिखाती हूँ थोड़ा सा आप लोग को, यहाँ जैसे हम लोग तो गाड़ी से आए तो साइड से आ गए और ये जो लोग गाड़ी बाहर रख के आते हैं ना तो पैदल आते हैं उनके लिए बहुत सुंदर जगह है। ये देखिए यहाँ से लोग निकल के आ रहे हैं, तो मिश्री के पापा बोले थोड़ा सा इधर भी चल के देखता हूँ कैसा लगेगा, तो हम लोग थोड़ा सा चल के देख रहे थे इधर तो बहुत अच्छा लग रहा है करके बोल रहे हैं और थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को भी, मैं भी चली तो देख सकते हैं कितना बढ़िया बनाया हुआ है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना।